बर्दाश्त से बाहर है। टाइम देख नजदीक आ रहा है, ऐसे करती रहेगी गई। यहाँ नहीं जाएगी, वहाँ नहीं जाएगी, आप छोड़ना पड़ेगा। आप मेरी बात तो समझो। बाय। चैनल छोड़ो, यूट्यूब वगैरह अब यही जाएगा। सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, मेरा काम कुछ भी है। यूट्यूब मेरा यार 4 साल से मैंने आज तक नहीं छोड़ा। अब देखो भाई मैं नहीं बोल सकता, देखो मम्मी है, मम्मी के खिलाफ जाऊंगा। ये तो अलग हो जाओ भैया, मुझे नहीं करना, जो मर्जी करो। या तो तुम सीधी सी बात बोलो ना, तुम्हारा मन बदल गया होगा, शादी नहीं करनी होगी इसलिए तुम ऐसे कर रहे हो। ठीक है छोड़ो, मैं जा रही हूं। वेलकम बैक टू अवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस दीवान। तो स्वागत है हमारे चैनल में। आज भी मेरे को एक्टिवनेस है बिकॉज ऑफ मैं पहले से हूँ बहुत बढ़िया, ठीक है, क्योंकि शादी है ना मेरी, इसलिए मैं थोड़ा बढ़िया होता जा रहा हूँ। तो आज है मेरा day 7। तो आज के दिन मैं आपको बोर नहीं करूँ, आपने मेरी सारी वीडियो देखना हो, थोड़ा बहुत बोर हो रहे हैं क्या, अपनी जिंदगी वही दिखाता है, एक डे वन डे। आज मैं बोर नहीं करूँगा, आज बहुत दिन हो गए बैठा बैठा, मैं भी बोर, बैठे बैठे मम्मी भी बोर। तो माँ बेटे दोनों मिलके आज ऐसा करने वाले ना, आज उसको फिर यही तो वीडियो देखना है। वो घर से तो निकल गई है, तो मैं बस आज मैंने बोल दिया मम्मी को, आज सास बन के दिखा दो। मम्मी आइए तो बैठा हुआ, कैसा लगेगा, आइए तो आज मेरी माँ, आज सास बन के दिखाना आप कैसी सास हो, ठीक है। ऐसे हंस के दिखाओगे तो सास क्या बनोगे, नहीं समझी ना, पक्का सास बनना है। बाकी मैंने आप पे सो, मुझे आता नहीं, कोशिश पूरी करूंगी क्योंकि हाँ मुझे ये चीज करने में मुझे अंदर से दुख होता है, रोक टोक करना। यदि अभी से इनके आंख में आंसू आ रहे हैं, उसको कुछ कह दो तो इनको बुरा लगता है। चलो कोई नहीं, कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो घूम रोंग हो जाएगा, के टेंशन। वेट करते हैं उसका, जब तक मैं अपना फोन रख दूं होम थिएटर के पास। तो मैं यहां रखूंगा अपना फोन। ओहो ये फ्लैश कैसे चल गई, फ्लैश बंद करूंगा, अच्छा हो मुझे दिख गई, क्योंकि मेरा फोन है मैट ब्लैक, तो मैट ये भी है मेरा ब्लैक, मैं यही रख दूंगा इसका, यहाँ ध्यान ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ये नीचे वो तो दो रखने के लिए। ये सुनन रखना, स्क्रू रखना यार, एक बार हाँ इतना ठीक है। फोन देने का कैसे हो? इतने टाइम का लगा दिया? अरे रास्ते में यार जाम लग रहा था इसलिए आप छोड़ के गया है वो। मम्मी को क्या हुआ? मम्मी को मैंने पैर छू के बोले। तो पैर छूते समय को बोलता है क्या कोई? मतलब यार हमेशा बोलता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऑफिस चलोगे? ऑफिस कहाँ जा पाऊंगा? क्यों? चलने हालात हो रहे हैं, जो ऑफिस जाऊंगा तुम और मम्मी को मैं बोल देना ऑफिस जाऊंगा। वो मेरे पास राहुल भैया की कॉल आई थी, राहुल के लिए वो आ रहे कल के 4 बजे तक आ जाएंगे यहाँ पे, वही दीपक को काट देने। हेलो, अरे देखिए आप तो वो 4 बजे तक आएंगे काट देने, तो मैंने बोला कि नहीं आ जाओ फिर, क्योंकि घर पे तो ले जाना, फिर तुम यहाँ से वहाँ लेके जाऊंगी, फिर यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ से वहाँ लेके आऊंगी। हाँ मम्मी का भाई मेरा फोन है। तो अपना चलाओ भाई, मैं तो मेरा दे। क्या हो गया तुम्हें? फोन दे। क्या फोन अभी जब तक है घर पे, तो फिर तू क्या हो गया? फोन दे, फोन दे, फोन दे। क्या हो, कुछ हुआ है क्या, तो बात हुई क्या? अरे क्या हुआ यार, तुम्हें भी बार बार समझाना पड़ेगा क्या? अच्छा लगता है ऐसे कपड़ों में आना? अरे मम्मी की तुम भी चीजें लेके बैठी हो, ये तू नहीं समझता ना, ये देखो ये क्या, ये कपड़े हैं, ये तो गली में एंट्री होती है यार, नहीं आस पड़ोस होता है, अच्छा लगता है क्या? तो ठीक, मुझे नहीं पसंद, बाकी अपनी मर्जियां करो जो करना, मैंने समझा। अरे तो ये चीजें ढंग से बोली जाती है मम्मी, कैसे ढंग से बोलो, नहीं समझ में आ रही क्या? ये थोड़ी बंदा बोलता है, नहीं है तो उठ पटांग कपड़े पहनो, तुम भी देखा करो जो तुम्हें पता है यहाँ। अरे भाई तो पहले भी पहन के आई हूँ,
पहले तो मम्मी मेरे को बोलती थी, मैं तुम्हें नहीं बोलता था ना, वो कोई बोल यही तो बात है तेरी, उन्हें बोला नहीं आज तो, जब तो वो पहनती आ रही है मेरा पास बर्दाश्त। अरे बोल तो रहा हूँ, मेरे बर्दाश्त से बाहर है अब, टाइम देख नजदीक आ रहा है, ऐसे करती रहेगी क्या ये, बहुत बोला है इसको, अब इसने आगे नहीं बात पहुँचाई तो मैं क्या करूँ बता, मुझे तो इन्होंने कभी कुछ बोला ही नहीं, और मैं तो कितनी बार भाई इन्होंने मेरे को बहुत से रूल बताए हैं, वो तुम फॉलो नहीं कर पाओगे इसलिए मैंने टोका, तो यार फॉलो नहीं कर पाओगे बताओगे नहीं जब तक, तो मैं कैसे, हमारा घर का सिस्टम अलग है, सब चीजें अलग है, नहीं होती वो, मैंने भी इनको बोला, मैं क्या पुरानी बातों को लेके, पुराने जमाने में ऐसा होता है वैसा होता है, वो चीजें मैं मेरे को है, थोड़ी वो चीज अभी भी है, इतना भी मत नए मॉडलों में जा, ठीक है वो आजकल की हेयर पे इतना भी नहीं है। अरे सुन मेरी बात सुनो, बात क्या है पहले मुझे बात तो बताओ, तभी तो मैं, मेरी तरफ से अगर ना हो ना तब तो आप मुझे बोलो कि हाँ मैं नहीं मान रही, जब मुझे कोई बात ही नहीं पता फिर मैं क्या बोलूंगी, मुझे कोई बात पता तो चले क्या रूल क्या क्या करना है, लड़ाई करने वाली बात है कुछ नहीं, काम का लड़ाई, अब ये चीजें बाद में भी हो सकती है, घर में शादी हो के आज समझाना नहीं बोलना है, ये तुझे समझाना चाहिए था ना, हमें बोलते अच्छे लग रहे हो, मैं बुरा लग रहा हूं मैं, और क्या उसको बोलूंगा, मेरे से बोलेगी तुम बोलोगे तो तुम्हारी मेरे से भी क्या बोलूं फिर, तुम बता दो रूल क्या करने, फिर उसे समझा दो, कर लेगी तो मैं पूछ लो उससे, देखो सिमरन ये मुझे कपड़े का ढंग पसंद नहीं है ऐसे, चलो वो कर लेगी हां तो मैं कर लूंगी, क्या हो गया वो, मैं चेंज कर लूंगी, टाइम हो गया ज्यादा टाइम, मैं तो शूट पे जा रही थी इसलिए पहन ली, और मेरे को अचानक राहुल भाई की कॉल आई तो मैंने कहा घर जाके पूछ के बताती हूं कि वो आ रहे हैं, तो मैं इसलिए ऐसे पहनाई, मैं तो वैसे नॉर्मल पहन के आती, मैं तो ऑफिस जा रही थी, और बोला ना क्या रखो रूल आगे, जब मैं बताऊं वो अच्छा लगेगा, अपने तरीके समझा दे, मैं ना बनूं सास ना बनूं, मैं मम्मी बनना चाहती हूँ इसकी, बस सास वाली बातें कर रही हो तुम, और क्या कर रही हो, हाँ तो मजबूर कर दिया ना मुझे, अच्छा आप मुझे बता, मैंने आज तक बोला टोका बता, मैंने तुझे बोला कि भाई सिमरन को समझाया, अगर तूने अभी तक समझाया आज फिर वो ये काम किया, भाई देखो इनका कहने का मतलब ये है कि सुबह यहाँ 5 बजे उठना है घर पे शादी के बाद, 5 बजे वही ना वो बनेंगे सास वाले काम तो करने, इन्होंने जो है देखो जो चलती आ रही है वो चीजें चलती आ रही है, सुबह 5 बजे तुम्हें उठना है, ठीक है उठते तुम्हें नहाना है, नहाने के बाद फिर तुम किचन में जाओगी, इनका कहना ये ना नहाए जो है हमारे किचन में एंट्री नहीं है, ठीक है 5 बजे उठ के सीधा किचन में जाओगी, पहले सब पहले अपना देख लो नाश्ता नुश्ता जो करना है वो बना के, फिर झाड़ू पोछा ये सब कुछ, मम्मी को 7 बजे तक घर रेडी चाहिए तैयार बिल्कुल। अरे देखो देखो मेरे को आदत तो नहीं है सुबह 5 बजे उठने की, पर मैं आदत डाल लूंगी, वो तुम देखो अभी से डालो कैसे डाला, अरे वो मैं तो देखो यार जब आऊंगी तब की बात है ना, वो मुझे जो हाँ मैं कर लूंगी, चलो ये भी ठीक है कर लूंगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा मुझे ना, ज्यादा टाइम टाइम तो मिलता है, ज्यादा मत लगाना, अरे मम्मी आज से रूल अपना फॉलो करो, ये फिर वही अपने चीजें वही चीजें क्या ज्यादा सर पे मत चढ़ा, बता रही हूँ मैं, चलो भाई दूसरा रूल सुन लो इनका, वो तो और भी भेड़े होते जा रहे हैं इनके रूल पे रूल, तुम इतना आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, आप प्यार से बोल दो, मैं तो वैसे ही मान, प्यार से मैंने बहुत समझा लिया, मैंने बात कर लूं, बोला ना बहुत समझा लिया, बात कर लूं मैं, बात कर लूं, दूसरी चीज घर में घूंघट में रहना है, तो घूंघट में रहने वाली बात क्या है ये बताओ पहले मुझे, बस रूल है ना ये पुराने उसूल, पहले ये पहले अभी तक ये तो मैंने दिखा रही थी अच्छी, नहीं वेट 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 जस्ट मैं कुछ नहीं कह रही, पहले तो अभी तक तो हम वीडियो शूट करते हैं, तुम्हें पता है हम जाते हैं शूट पे सब करते हैं, फिर मैं कैसे करूँगी घूंघट में रहने का क्या मतलब, सर पे चुन्नी रखनी है ना वो तो रख लेंगे, क्या हो गया फिर बाहर शूट करने जाऊंगे, फिर वो उसी में करना पड़ेगा, जब तक जो हो रहा था अभी तक चल रहा था ठीक है, लेकिन आपको तो सब पता है हमारा काम क्या है, और ये बताओ फिर सूट पहन के घूंघट पहन के थोड़ी जाऊंगी, ये बता थोड़ा यूट्यूब वगैरह अब यही जाएगा, ये क्या बात है, ये क्या अरे ये तो ये तो बहुत ही ज्यादा, ये यार ये तो मैं नहीं कर सकती, सुधार कर तो रही है, क्या सुधार कर रही है, क्या सुधार कर लेगी, जो जो तुमने बोला रूल फॉलो करेगा तो फोन ना देगा, चैनल की बात कहां से आ गई, चैनल छोड़ देगी तो क्या हो गया, छोड़ दे मम्मी कैसी बातें कर रही तू, तू कर मैं तो कर ही रहा हूं, अब ये बस यही रहेगी मेरी सेवा पाने में रहेगी, अब मेरे तो पता है मेरी दिक्कत वो तो मैं कर लूंगी, मैंने हमने तो डेली अप डाउन ही तो करना है, आपको मैं कुछ करने को नहीं बोल रही, मैं सुबह सारा काम कर, अच्छा सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मैं सारा काम सुबह करके जाऊंगी, रात को आके कर लूंगी, करके जाऊंगी आके करूंगी अपने घर में, देखे है मैंने,
काम तो यार निकाल तो रहा हूँ मम्मी, काम कैसे छोड़ दूंगी मैं? काम मत छोड़ो, मैं हैंडल कर लूंगा उस चीज के लिए, मैं बताया तुम तुम्हें कर, ये रूल्स फॉलो कर लो, काम नहीं छूटेगा, रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो छोड़ना पड़ेगा घर बैठो के, बात खत्म। क्या रूल फॉलो करना है, कह तो रही हूँ मैं सुबह उठ जाऊंगी सूट भी पहन लूंगी, लेकिन शूट पे जाऊंगी तब थोड़ी सूट पहनूंगी, चलो सूट पहन भी लूंगी घूंघट थोड़ी करूंगी वहाँ पे। वो मम्मी बाहर तो देखो शूट में नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसको कह, इसको कर लो, कर लो। नहीं बस इस चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लो, और डेली घर में वॉशिंग मशीन लगेगी, ठीक है, और वो देख लो कैसे करना है, कपड़े टाइम से धुलेंगे, डेली पाठ पूजा तुमने करने, एकदम से सब, एकदम से सब डाल दो, एकदम से सब बोल दो मेरे को, सब होगा, एकदम से बोल दो सब होगा, सब करना पड़ेगा। तो भाई कर लूंगी, मैंने कुछ बोला है कि यार तुम तो अभी से तुम यहाँ नहीं जाएगी वहाँ नहीं जाएगी, तुमने तो ये भी बोलना शुरू कर दिया, एक बार मुझे आने तो दो, मैं धीरे धीरे सब मैनेज करूंगी ना भाई, करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, काम छोड़ने की बात नहीं, देखो आप छोड़ना पड़ेगा, आप मेरी बात तो समझो बस यार, ये क्या तुम क्यों अब यूं कर रही हो, क्या हो गया? आप मेरी बात तो सुनो, मेरा कुछ काम है, मैं शुरू से करती आई हूँ, ये तो देखो अभी से थोड़ी कर रही हूँ मैं, ये करना पड़ेगा, मेरे को 4 साल हो गए इस लाइन में, और ये बोलेंगे भाई शादी के बाद तुमने छोड़ा, करके देखो मैं मम्मी की भी साइड लूंगा मैं, तुम उसमें चक्कर, मम्मी को तो छोड़ूंगा नहीं, काम छोड़ देना कोई बात नहीं, घर में रहना, काम मैं कर लूंगा, लेकिन तुम्हें कॉम्प्रोमाइज ये चीजें करनी पड़ेंगी, तो हम साथ में तो करते हैं, हमारा ब्लॉग चैनल है, घर में कलेश नहीं चाहता, देखो सुनो हमारा ब्लॉग चैनल हम कहाँ से करेंगे, दोनों करते हैं, तुम अकेले बनाओगे ब्लॉग, मतलब मैं वीडियो में क्या करूँ बताओ, मैं मम्मी की भी सुनूंगा, मैं मम्मी को बोल तो रही, मैं सारे काम करने के लिए रेडी हूँ, मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, मेरा काम क्यों छुड़वा रहे, यूट्यूब मेरा यार 4 साल से मैंने आज तक नहीं छोड़ा, अब देखो भाई मैं नहीं बोल सकता, देखो मम्मी है, मम्मी के खिलाफ जाऊंगा नहीं, ठीक है, पहली बात तो ये रूल तुमने मुझे पहले बताए थे क्या? नहीं पता था, मम्मी ने भी मुझे बाद में बताया है, मैंने इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं रहा था तो कि घर ये आने तो के तुम साफ ये ऑप्शन दे रहे हो, काम कर ले या शादी कर ले, ये तो तुम्हें दो ऑप्शन तुमने ऐसे दे दिए मुझे, मैं काम करना शादी करने क्या करना हो तुम देखो, मुझे मत बोलो, तो मैं किसको बोलूंगी घर में, और कौन है, मम्मी को बोलूंगी, ये चीज के लिए एग्री हो जाओ, खत्म हो गई बात, किस चीज के लिए, काम छोड़ने के लिए एग्री हो जाओ, देख लो तुम्हें क्या करना, मैं मम्मी की साइड लूंगा भाई, अगर मम्मी ऐसे बिहेव करेगी तो फिर मैं थोड़ा ना, मैं मम्मी की साइड लूंगा, मैं मम्मी को दुखी थोड़ा करूंगा, देख मैं ये थोड़ी बोल रही हूँ मम्मी को दुखी करने की बात, मैं कहाँ बोल रही हूँ, मेरी देखेगा नहीं तो अलग हो जाओ भैया, मुझे नहीं कहूँ, जो मर्जी करो, अभी तो शादी भी नहीं हुई और इतने लड़ाई वाली बातें कर रहे हो, समझा रहे ना, शादी नहीं, सोच लो ये रूल फॉलो करना है तो करना है, मैं रूल फॉलो करने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि काम कैसे छोड़ सकती हूँ मैं अपना, अरे सिमरन भैंस क्यों कर रही हो यार, टैं 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 करके लगाई रखती है, बोल रही हूँ मम्मी को नहीं बोल रही, मैं तुम्हें बोल रही, नीचे आवाज करके बात करो, जब बात कर रहे हैं दबाओ उसे भी, जो कह रहा मान लो, मैं दबाने की तो बात भी नहीं कर रही यार, मैं तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं है, क्या सोच रही हो, चुप रहो फिर, मुंह बंद करके रखो, भैंस कर रही हो ऊपर से मेरे से, तो ये तुम्हें पहले नहीं पता था मैं काम करती हूँ, मैं सब करती हूँ, कुछ भी बाहर जाती हूँ कुछ भी, मैं तो कभी कुछ गलती तो नहीं कर रही हूँ, मैं कभी उल्टा जवाब तो नहीं देती यार, मैंने जवाब दे के देखो, मैं बोलूंगी उल्टा जवाब, मैंने दिया, मैंने हर चीज मानी, चलो कपड़ों की मान ली, सुबह उठने की भी मान ली, सारा काम करने की भी मान ली, अब तुम काम छोड़ने के लिए बोलोगे, ये थोड़ी कोई बात होती है, अब देख लो, और एकदम से पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, अभी तुम्हारा मन बदल गया होगा, शादी नहीं करनी होगी इसलिए तुम ऐसे कर रहे हो, अब वो तुम जो मर्जी सोचो, मन बदल गया मैं तो दूसरी देख ली भाई, और क्या होगा, मम्मी को दूसरी पसंद आ गई तभी ऐसे करनी होगी, है ना, यही सोच रही होगी, बहू होने का वो तो करो, बहू का फर्ज निभाओ, घूमती रहोगी ये करती रहोगी, निभा नहीं रहे तो वो भी बोलो ना कि हाँ ये काम नहीं किया, हर वक्त तो काम करते हूँ, बोलता हूँ देख, छोड़ो अब जो चीज है छोड़ो, अभी रो रो के मत दिखाना है यहाँ पर, यही तो है इसके बाद, बस रो के दिखा दो, हमें इसी चीज में मजा आता है बस, कोई नहीं मैं काम नहीं छोड़ रही, ऐसे मैं बता दूंगी, ठीक है काम नहीं छोड़ रही, देख ले भाई, देख ले ना, अभी से ये देख, जो हम चाह रहे थे वो हो रहा है, बस वही हो रहा है, जो तुम वही हो रहा है, वही हो रहा है, ठीक है, छोड़ो मैं जा रही हूं।
कहाँ जा रही हो? पहले बात मैं फाइनल बाद में बात करूंगी। नहीं मुझे दो बैग। हाँ तो बात फाइनल करके जाओ। मैंने सब फाइनल कर दिया। हाँ तो ये क्लियर करके जाओ। अधूरी हाँ ये यही पहले फाइनल करके जाओ। क्या फाइनल क्या करूँ मैं, काम छोड़ दूँ? पर्स यहीं पर रखा हुआ है ये सबूत के तौर पे कि यहाँ तुम घर पे आई थी, कलेश कर दी थी। मैं अभी तो केस करने के लिए फिर थोड़ा सा रेडी। केस अभी तुम अभी कुछ हुआ भी नहीं और तुम केस पे आ गए? भाई लड़कियों का पता नहीं है, क्या पता तुम बाहर आ गए। उस टाइप की लड़की नहीं हूँ भाई कि लड़ाई करूँ घर में, कलेश करूँ। हम उस टाइप के लड़के हैं जो हम रह चुके हैं प्रैंक शो के बीच में। सुन मैं ना, मेरे उस टाइप की लड़की, हमारी भी जान पहचान बहुत है, हमारे भी दो प्रैंकस्टर है, राहुल भैया के साथ भी रह चुके हैं, पवन सर भी हैं। तो ये बीच में कहाँ से आ रहे? तुम अपनी पर्सनल उन्हीं से सीखा हूँ मैं ये चीज करना। चुप रहो, मेरा बैग दो। कोई बैग नहीं। उन्हीं से सीखा हूँ मैं ये चीज करना। कैमरा कहाँ लगाना है, किसके साथ क्या करना है, मेरे को पता है। oh, yeah. चल शाबाश बेटे हैं, आगे बैठ। चुप हो जाओ, मेरे को बैग दो। मैं मजाक में नहीं समझ रही मुझे वो देख। अच्छा तुझे लगा जरा पहचाना ही नहीं? बस बताओ करेंगे, हम ऐसे करेंगे? मजाक कर रहे पागल, मजाक कर रहे हैं, मजाक है, मजाक। प्रैंकस्टर के साथ रहता हूँ मैं, लोगों को 7 दिन तक बोर करा, आज बोर नहीं होंगे वो। देख ऐसी साथ, ये कहने का मतलब है, देख ऐसी साथ मिल जाती है, नई चीजें नहीं करनी। 5 बजे नहीं उठ रहा, ठीक है, 9, 10, 12 बजे ठीक है, शूट करने चैनल नहीं कोई हाथ तुमसे वो करवा रहा, ठीक है, सब कुछ उल्टा ले लो इस चीज को। कपड़े ऐसी पहन रहे हो, ऐसी पहन लो, कोई रोक टोक नहीं है, बस लहजे में पहनो, ठीक है, लहजे में। मैं ऐसे पहनती हूँ नॉर्मल, मैं तो तुम्हारी टी शर्ट पहनती हूँ। और बोलो। हाँ वो सबको पता है। अब देख होम थिएटर कहाँ रखा है मेरा, मेरा होम थिएटर कहाँ है? जा वहां से फोन उठा के ले गया, ब्लैक कलर का, जा उठा के लेके बैठ भैया, जा 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 जा, लेके 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 आ, उठा ले उठा ले, बस दे दे। आहा कैसे हैं? कुछ नहीं हुआ, सीरियस मत होइए, कोई चीज को लेके मजाक कर रहे पागल, ऐसे नहीं है हम, ठीक है। ये रोते तो मेरे आंख में आंसू आ जाते हैं। तुम मैं इतने भी मत दी बोल, पहले ही बोला था मना खड़क था आज। अच्छा तुम्हें लगता है मम्मी है, मैं ये करने के लिए मैं वही तो बोल रही हूँ, मम्मी ऐसे कैसे बोले अचानक, वो भी मैं डेली कपड़े पहन के आ रही हूँ, सब कुछ बात बात करती, फिर भी ऐसे तो मेरे को कभी नहीं बोला। चलो ठीक है, तुम्हारा मैं जस्टिफिकेशन नहीं मांग रहा, जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए। तो भाई जैसे कि था सक्सेसफुल, इसको दिखा दिया कि ऐसी सास भी होती हैं, लेकिन हर किसी की नहीं होती, लेकिन इसको दिखाना था ना कि हाँ भी सास क्या होती है, हर चीज मजाक में लेती है, लहजे में नहीं रहेगी, तो अभी अच्छे से कपड़े पहन के आएगी, ये हिंट दे दिया इसको मैंने, ठीक है। अरे मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहे हैं यार, ठीक है। तो सक्सेसफुल, ठीक है, मिशन इज कम्प्लीट, थोपड़ा इसका आप देख सकते हैं, अब ये हो गया था इसका काम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ऐसी कमेंट कह रहा हूँ, ऐसी वीडियो लाता रहूँगा अच्छी अच्छी, अभी देखते रहो, उनके घर वालों की भी हालत अभी। हाँ ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।